हाय, गुड मॉर्निंग यथार्थ। सुबह सुबह से आपको ये चॉकलेट किसने दी? बुआ की फ्रेंड ने। यथार्थ की बुआ की फ्रेंड आई हुई थी तो वो यथार्थ के लिए चॉकलेट लेके आई। यथार्थ, अच्छा सामने तो देखो। प्राडो, गुड मॉर्निंग न्यू ईयर भी। प्राडो, और ये रहा हमारा मंदिर। जय श्री कृष्णा। और मैंने बनाई है अपने लिए ब्लैक कॉफी। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरी गुड मॉर्निंग के साथ में क्या हो रहा है, मैं रूम को थोड़ा सा क्लीन कर रही थी क्योंकि मेरा रूम बहुत रात में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर दोबारा से सुबह के टाइम पे उसको क्लीन करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह फोल्ड करके रखी हूँ, जो मेरी डेली वेयर की टी शर्ट है। और पता है, जो मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है ना, ये टी शर्ट मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ घर पर। मतलब कुछ टी शर्ट्स हैं मेरी, मैं दिखाती हूँ, ये वाली टी शर्ट है। एक ही मेरा ड्रेस है जो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में पहना हुआ है। एक ये वाला येलो है, इसका थोड़ा प्रिंट भी देखो आगे से निकल गया, पर इसलिए मैं इसको अभी तक पहनती हूँ। एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। मतलब ये मेरी डेली वर्क के लिए घर की ही है। और इसके अलावा ये मैं तो फोल्ड करके रखी हुई है ना, तो ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी कि ज़्यादा ये है। तो इनको मैं रिपीट कर करके इनको पहनती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो कंफर्टेबल टी शर्ट्स होती है ना, वो कितनी भी पुरानी क्यों नहीं हो, जो और भी ज़्यादा अच्छी होती जाती है। तो ये खासियत होती है ना यार। आप लोग में से कोई रिलेट कर रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग भी ऐसा करते हो। यथार्थ को ना मैं उस वाले रूम में, माँ के रूम में देख के आई हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप संभालो, जब तक मैं थोड़ा सा अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ना एक वीडियो पब्लिश करा हुआ, जो कि मैंने ऑलरेडी लाइव कर दिया। सोच रही हूँ, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ रोज़ ब्लॉग डालूँ, आप लोग सब में शेयर करूँ अपनी लाइफस्टाइल और ही मेमोरीज है। यथार्थ भी जल्दी से बड़ा हो रहा है तो उसकी मेमोरीज़ हो जाएंगी। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, तो किसी शॉप पे एक्चुअली काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये यार बहुत 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 ज़्यादा कंफर्टेबल है। पूरी प्रेगनेंसी मैंने इसको पहना हुआ, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब टमी एरिया के लिए, और मतलब बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो कितना ज़्यादा ये फैल गया है। तो क्या है ना कि मैं एक्स्ट्रा साइज़ मंगाया हुआ था प्रेगनेंसी में, उस टाइम पर इसको पहना हुआ इसलिए। और ये रही मेरी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी जो कि ठंडी होने वाली, तो मैं इसको पी लेती हूँ। और पता है, देव बोलते हैं मुझसे, जो मेरे देवर है ना, कि भाभी अभी ब्लैक कॉफ़ी कैसे पी लेते, थोड़ी कड़वी लगती है। तो मैंने कहा, स्टार्टिंग टाइम पे जब मैंने इसको पीना शुरू करा था ना, तो मुझे इतनी पसंद नहीं थी, ये बहुत तक गंदा टेस्ट लगता था। बट अभी वेट लॉस करने के लिए, फिर पता है एडिक्ट हो जाते हो जब भी आप कॉफ़ी पीना स्टार्ट करते हो ना, सच बता रहे हो, फिर लगता है कि यार कॉफ़ी पीना, जैसे चाय का नशा होता है ना। मैं अपनी मदर इन लॉ को बोलती हूँ कि आप नशा करते हो चाय का, क्योंकि जो भी लोग चाय पीते ना, उनको ऐसा लगता है कि चाय नहीं पी तो सर दर्द हो रहा है, कुछ तबियत ख़राब लग रही है, उनको चाय नहीं मिलती। तो चाय उनको प्रॉपर दोनों टाइम चाहिए, अगर वो दो टाइम पीते हैं तो यार ये चीज़ तो है। तो मैं चाय कॉफ़ी वगैरह पीती नहीं हूँ, बट हाँ वेट लॉस पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये ब्लैक कॉफ़ी। तो मैं थोड़ी सी कॉफ़ी डाल लेती हूँ और गर्म पानी डाल लेती हूँ, बना लेती हूँ, बहुत ही ईजी है। तो अभी हम बातें ख़त्म करते हैं और कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि ऑन कैमरा तो हम ऐसे धीरे धीरे काम करेंगे, और जब कैमरे को हम ऑफ करेंगे तो अच्छी तरीके से हम जल्दी जल्दी अपने हाथ चला सकते हैं, काम निपटा सकते हैं। क्योंकि अभी ना फ्री लाइफ नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है इसलिए। और ये वाली टी शर्ट का मुझे कलर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अगेन ये भी बहुत कम्फर्टेबल है। ये तो खैर न्यू टी शर्ट है मेरी, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, बट डेली वेयर में पहनो ना तो ऐसी हो जाती हैं। और रख देती हूँ अलमीरा में। कॉलेज में बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है सुबह से, और आज ये बाहर गए हुए हैं, मतलब आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, तो पर शाम तक आ जाएंगे। और मैं ना पता भी नहाया नहीं है, क्या है कि पहले मैं यथार्थ को रेडी करके उसको बाहर भेज देती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना रूम वगैरह अरेंज करती हूँ, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि सुबह मेड करने के लिए आती ना, तो वो उतना ही उतना करती, बहुत अच्छी तरीके से नहीं करती कि बहुत अच्छी तरीके से पूरा सेट करके रखे, तो वो अपने आप को ही करना पड़ता है। और फिर पहले क्या होता था कि एक बार रूम को सेट कर दिया, पूरे दिन भर वैसे ही सेट रहता था, मतलब मैं पूरे दिन क्या, दो दो दिन तक वैसे ही रूम सेट रहता था, क्योंकि फैलाने वाला कोई नहीं था। अभी यथार्थ एक जगह पे एक सामान ही रह सकता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। अभी ये देखो सिपर ही यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ, वहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं डायपर्स फैले हुए हैं, कपड़े हैं, सारी चीज़ें, तो वो दिन भर कुछ ना कुछ करना पड़ता, अरेंज करना पड़ता, तो यार रूम फैला ही रहता है। मुझसे बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं, सपना दीदी मुझसे बोलती थी कि शिव देखना बेबी हो जाएगा ना, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि सपना दीदी जब आई थी ना तो आरू थी, तो बच्चे मतलब से खेलते हैं ना, तो ऐसे कुछ फैला दिए कर दिए, तो मतलब उसको क्लीन कर देते, तो सपना दीदी बोलती है अभी हो जाने तो फिर पता चलेगा। जैसे कि ये है ना, ये जगह है तो यहाँ पे ना कुछ पड़ा हुआ है, तो सपना दीदी कहते हैं ये चीज़ें ना तुम रख नहीं पाओगे। तो अभी क्या यथार्थ यहाँ तक आते हैं पर इतना आगे तक नहीं पहुँच पाते, पर कुछ दिन बाद यहाँ तक भी आएंगे ना, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें लगा नहीं पाऊँगी, शोपीस वगैरह जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं। फिलहाल तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा अब कुछ ही दिनों में, क्योंकि जैसे कि पूरे टाइम तो यथार्थ रूम में रहता नहीं है, तो थोड़ा बहुत उस साइड भी रहता है, उधर तरफ रहेगा तो कैटल हटाना पड़ जाता है, तो जहाँ पे वो खेलेगा ना वहाँ से सामान हटाना ही पड़ता है, तो ऐसा होता है यार सच में। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा।
तो ना दोपहर के टाइम पे ना सब लोग ऑफिस चले जाते हैं, तो घर पे पता है मैं और माँ ही बसते हैं। दादी माँ की इस टाइम पे तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो ना बेड रेस्ट करती रहती है, तो वो भी हॉल पे लेटी रहती हैं। तो यहाँ पे यथार्थ और उनकी दादी मस्ती कर रहे से ना पल्ला कर लो घूंघट कर लो ना, फिर यथार्थ ऐसे देखता है तो मतलब से सोचता है कि उसके साथ में हाइड एंड सीख खेल रहे हैं हम। फ़ोन है आप जो बार बार गिरा देते हो ना फ़ोन को, ये मम्मा का फ़ोन है। हाँ ये देखो मेरा फ़ोन उठा के और सीधे फेंक देता है। नहीं बड़ी गंदी आदत हो गई है, कोई भी चुरा उठा के फेंक दी नहीं है। हाँ मेरी एक फ्रेंड है पलक, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब मेरी स्कूल की फ्रेंड है मेरी, तो उससे ना मेरी बात हुई और मतलब पुराने दोस्तों के सच में यार बात ही अलग होती है। उसका आज बर्थडे तो मैंने उसको विश करा, 13 सितंबर है और कल था 12th, तो कल हमारी एक और फ्रेंड का बर्थडे था। तो मैं ना मतलब क्या दोनों के बर्थडे में कंफ्यूज रहती कि 12 को उसका है कि 13 को उसका, तो फिर हम वही डिस्कस करते कि उसका 12 को है और पलक का 13 को है। सो पुराने दोस्तों की बात अलग होती है यार, सच में बात करते हम पुरानी वाली टाइम की बात करते बहुत अच्छा लगता है। हाय बेबी, अच्छा सुनो तो बेटा बेटो इधर देखो, पलक मासी को विश करो हैप्पी बर्थडे मासी, हैप्पी बर्थडे। गिव मी योर हैंड, कम गेट अप। ये वेलकम, ये चला गया पापा के पास में। अभी मेरे को इतनी जोर से भाग के गया। अरे पगलो भाई, मुझको पगलो। आप ही कहते, मैं तो घर पे ही था। बता रहे क्या हुआ आज? क्या हुआ? ओके इधर भाग के आना था इनको, है ना? किधर? बस मिरर देखना, इनको बड़ा पसंद है मिरर देखते रहे हम, है ना? खाली हो जाओ। अच्छा इसको पकड़ना है। सीताराम। अभी रात के ना 9 बज रहा। हाय गाइस, हम लोग आए हुए हैं बाहर घूमी करने के लिए और बेटू भी आए हमारे साथ में। यथार्थ को हमने सोचा थोड़ा सा कहीं घुमा लाते हैं बाहर और डोसा वगैरह पैक करवा रहे हैं घर वालों के लिए, सबके लिए। क्या बोले थे? मम कैसे बोलते हैं? मम, मेरे को बहुत देर से मम बोले जा रहा है ये। तो हमने सोचा कि चलो अभी दिन भर हमारा कहीं जाना नहीं होता, पर शाम को हम थोड़ा सा। कौन है मम? मम कौन है? मम मुझे बोलता है मम्मी। मम्मा नहीं बोलता, मम बोलता है। ये लाइक क्यूटी बॉय, ये लाइक क्यूट बॉय। हाँ मेरा बच्चा, आई लव यू। हाँ अच्छा पापा बोले, पापा। हम लोग उस दिन उड़ीसा जा रहे थे ना। हाँ आपको खाना है? नहीं मुझे नहीं खाना। ठीक है बंद कर लो। ओके मैं डर गई, मैंने कहा ऐसे कौन आके नॉक करा है, ऐसे डरा दे। तो सच बताओ ना मुझे बड़ा डर लगता है। ये देखो यथार्थ को चढ़ाते हैं। तो हम लोग ओरछा जाते हैं ना, तो ओरछा में पता है यथार्थ ऐसे ही कर रहा था, पा मम। हाय यथार्थ, कहाँ जा रहे हो आप? बताल ले जा रहे हैं अपनी मम्मा को घुमाने। अच्छा घूमी कराने? ये देखो पूरे स्टीयरिंग में दम लगा देता है। इनको हम घूमी कराने के लिए लेके आए हैं और हम यहाँ पे पैक करवा रहे हैं चाप। अभी हम दूसरी जगह पे आ गए हैं क्योंकि, और ये रहा यथा का टॉय, ये रहा यथा का क्यूट सा सिप्पा जो कि मैंने मंगाया हुआ था, सॉरी मैंने नहीं मंगाया, दिशु ने लेके आई थी वो। तो ये बहुत ही प्यारा सा ऐसे यथा पानी पीना सीख गया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मैं लास्ट में गुड बाय बोल देती हूँ आप लोगों से। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।